और इंदौर में कालीचरण महाराज ने फिल्म काली के विवादित पोस्टर का विरोध किया और पोस्टर को लेकर FIR दर्ज कराने की बात कही है। इसके साथ ही कालीचरण ने विवादित बयान दिया और कहा कि हिंदुओं को स्कूलों, कॉलेजों, मंदिरों से धर्म की कोई शिक्षा नहीं दी जा रही है। शिक्षा के अभाव में हिंदू डरपोक बना हुआ है। ये बात कही कालीचरण ने। धर्म की शिक्षा अगर प्राप्त होती तो हिंदू भवानी का सिंह यानी शेर बन जाएगा। इसके अलावा कालीचरण ने विशेष धर्म पर निशाना भी साधा और उन्हें आतंकवादी बताया है। क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएं। हिंदुओं को कोई धर्म शिक्षा नहीं है, स्कूलों से नहीं, कॉलेजों से नहीं और मंदिरों से भी नहीं, घर से भी नहीं। इसलिए धर्म शिक्षा के अभाव के कारण हिंदू डरपोक बना हुआ है। धर्म शिक्षा अगर प्राप्त होती है तो हिंदू भवानी का सिंह बन जाएगा और निस्संशय पूरे विश्व पर हिंदू धर्म साम्राज्य की स्थापना करेगा। और आगे बढ़ेंगे, राजधानी भोपाल की बात करेंगे। कालीचरण के विवादित बयान पर कांग्रेस का पलटवार सामने आया है। कालीचरण बीजेपी और RSS का एजेंट है, ये बात कही कांग्रेस ने। पूर्व मंत्री विधायक PC शर्मा का यह बयान सामने आया। कालीचरण का बयान हिंदुओं का अपमान है, ये बात कही है कांग्रेस के विधायक PC शर्मा ने। सनातन धर्म को कोई खत्म नहीं कर सकता, ये बात कही है PC शर्मा ने। हिंदू धर्म को मुगल और अंग्रेज खत्म नहीं कर पाए तो ये कौन करेंगे, सिर्फ हिंदुओं को डरा रहे हैं कालीचरण, ये आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। मोदी और अमित शाह की तारीफ, बाकी सब हिंदुओं को गाली, ये बताता है कि ये बीजेपी का एजेंडा है, ये बात कही है पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक PC शर्मा ने। ये हिंदू धर्म, हिंदू और सनातन धर्म का अपमान है। वो लोग जो मुगलों के समय ख़त्म नहीं हुए, जो अंग्रेजों के समय ख़त्म नहीं हुए, जो फ्रेंच के समय ख़त्म नहीं हुए, उसको ये कह के डराने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू डरपोक हैं और समाप्त हो जाएंगे। ये सरासर BJP और RSS का एजेंडा है। जो आदमी RSS की, नरेंद्र मोदी PM की और अमित शाह की तारीफ करे और बाकी हिंदुओं को गाली दे, उनका अपमान करे, तो मैं समझता हूँ कि सीधा सीधा RSS और BJP का एजेंडा है।